ये तुलसी आपको यहाँ के अलावा पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी, ना ये पौधा कोई लगा सकता है ना कहीं जाके लग सकती। भगवान कृष्ण के 16108 रानी थी, यहाँ पे 16108 ये वृक्ष है, कोई भी वृक्ष सिंगल नहीं है, सारे वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं। राधा और कृष्ण दिन में ये वृक्ष बनते हैं, रात्रि को ये गोपियाँ बनते हैं। रात में यहाँ कोई व्यक्ति रुकता नहीं है, जो भी रुका उसकी सुबह डेथ होगी। सैकड़ों समाधि अभी आपको आगे मिलेंगी। ये मंदिर रात को 8 बजे बंद होगा, सुबह 5:30 बजे खुलेगा। सुबह यहाँ देखोगे 10-20 बंदर 10-20 चिड़िया जंगल में मरे हुए मिलेंगे, जो भी यहाँ रह गया उसकी सुबह मृत्यु हो जाती है। आगे रंग महल है जहाँ पे भगवान अपने हाथ से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। उस कमरे में चांदी का बेड है, सोने की बंसी है, सोने का मुकुट है। रात को एक लोटे में जल, एक पान, एक दातुन, 4 लड्डू राधा रानी का श्रृंगार वहाँ रखा जाता है। और सुबह जब ताले खुलते हैं सभी भक्तों के आगे, तो लोटे का जल खाली, पान चबा, दातुन करी हुई, लड्डू कबा, राधा रानी का श्रृंगार आपको फैला मिलेगा। बिस्तर ऐसे मिलेगा जैसे यहाँ पे किसी ने सेन किया है। इससे प्रतीत होता है कि आज भी भगवान जंगल में मौजूद है। यहाँ जिन लोगों ने इस बात को गलत झूठा समझा, वो अंधा लूला लगड़ा हुआ, हमारे ब्रश से वो व्यक्ति कभी जीवन पार नहीं जा पाया। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो लीलाएँ की आज से 6,500 वर्ष पहले करी, और लीला करके भगवान गए द्वारका के लिए, वृंदावन को सूना कर गए। यहाँ के जब ब्रजवासी लोग दुखी हुए, भगवान से प्रार्थना की, तो यहाँ निजवन के अंदर स्वामी हरिदास जी हुए थे। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय सखी थी, ललिता सखी। ललिता सखी स्त्री से पुरुष बनी, उनका नाम रखा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास तानसेन बेजू बाबरा के गुरु थे, संगीत सम्राट। पहले हमारे संसार में कोई भी व्यक्ति गाना बजाना नहीं जानता था, स्वामी हरिदास जी ने ही शुरू किया है। आपने कभी भजन सुना हो, मधुबन में राधिका नाचे, ये वही मधुबन है जो आप लोग खड़े, उसी का नाम मधुबन, तुलसीवन, निधिवन, तीनों नाम इसी जगह के। यहीं पे स्वामी हरिदास जी ने 1250 वर्ष बैठ के निधिवन में भजन किया, और भजन के प्रताप से 2 मूर्तियां निधिवन से स्वयं प्रकट हो गई, जो किसी कारीगर ने नहीं बनाई। पहली मूर्ति निधिवन से प्रकट हुई वृंदावन बिहारी जी, जिनके नाम से आप लोग वृंदावन में आए हैं, और दूसरी मूर्ति निधिवन से प्रकट हुई बांके बिहारी जी। बांके बिहारी कहते हैं भगवान कृष्ण को, और वृंदावन बिहारी कहते हैं भगवान के बड़े भाई थे दाऊ जी महाराज बलराम जी को। भगवान कृष्ण राजा द्वारका के थे, ब्रज के राजा थे वृंदावन बिहारी दाऊ, भगवान के बड़े भाई। भगवान कृष्ण ने कहा जो भी व्यक्ति वृंदावन जाएगा मेरे वृंदावन बिहारी दाऊ जी के दर्शन करेगा, उसके दर्शन तो मैं स्वयं उसके घर पर जाके एक दिन अवश्य करूँगा। भगवान कृष्ण ने अपने भाई से कहा, बोले भैया मेरे सामने संसार खड़ा हो जाए लेकिन आपके सामने नमस्तक होगा, तो आज भी आप भगवान कृष्ण के दर्शन खड़े होके करते हैं और वृंदावन बिहारी दाऊ जी के दर्शन बैठ के, उनके सामने भगवान कभी खड़े नहीं हुए। ये जो तुलसी हैं, जो भी यहाँ तुलसी के गिरती हैं, सारी तुलसियाँ यहाँ से इकट्ठा करके वृंदावन बिहारी दाऊ जी मंदिर जाएगी, वहाँ से आपको प्रसाद में ये तुलसी का माला मिलेगी, इसको बोलते हैं मनोकामना की माला। उस माला के 5 दाने निकालें, गंगा जल में स्नान कराएं और लाल कपड़े में बांध के पूजा की जगह घर पे रखें, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने हुए, डाल डाल और पांच पांच पे राधे राधे हो, क्योंकि जो डाली हैं यहाँ हर डाल में राधा और कृष्ण का वास है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और साक्षी के बिना कोई तीर्थ नहीं। यदि आप तीर्थ की भावनाएं लेके वृंदावन आए हैं तो यहाँ की जो निशानी है वो ये तुलसी है, इसी तुलसी को ले जाने से वृंदावन में आने का फल मिलता है। निधि माने खजाना, खजाना आपके सामने है लेकिन आप यहाँ से एक पत्ता उठा के नहीं ले जा सकते, क्योंकि खजाने का मालिक है राजा, राजा हैं वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज, उसी मंदिर से ये तुलसी मिलती है। यहाँ भगवान डेली निधिवन में राज करते हैं, यहाँ पे भोलेनाथ आए, वो भी गोपी बने, तभी से उनका नाम रखा गोपेश्वर महादेव। भगवान यहाँ राज करने के बाद अपने घर जाएंगे नंद महल। कहते हैं नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए बाल की। वही हैं ब्रज के राजा वृंदावन बिहारी दाऊ जी। भगवान कृष्ण के हाथ में बंसी है और दाऊ जी के हाथ में हल है, तो भगवान ने कहा जो भी मेरे बड़े भाई के दर्शन करेगा उसकी सारी समस्या कल मेरे बड़े भाई दाऊ करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की राधे राधे।
सभी लोग ब्रज की रज लगाना, मिट्टी लगाना मस्तक पे, कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज सर पे पड़े मुक्ति भी मुक्त हो जाए। इस मिट्टी में हो सकती है कि मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाए। आइए राधे राधे।